हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकफिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइव थिंग्स यू डोंट नो दैट योर स्मार्टफोन कैन डू। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच चीजों के बारे में जो कि आपका स्मार्टफोन कर सकता है, लेकिन शायद अभी तक आपको वो पता नहीं कि आपका स्मार्टफोन ये कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए इसके बारे में पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम तो सभी अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल का जमाना उठ गया, अभी सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ चीज है जो कि हमें अभी तक नहीं पता कि हम हमारे स्मार्टफोन में ये कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वाला जो है वो है क्रोम के अंदर। दोस्तों, जब हम सर्फिंग करते हैं इंटरनेट, गूगल में जाते हैं, सब देखते हैं क्रोम में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हमें वो चाहिए होता है, लेकिन अगर कॉपी करेंगे तो दोस्तों सब नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट आएगा, फोटो वगैरह नहीं आएगा। और दोस्तों, स्क्रीनशॉट करेंगे तो कुछ चीज़ें ही आएगा जो कि एक फ्रेम में फिट आए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, आप इसे PDF के तरह सेव कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में, अपने ब्राउजिंग के पेज को, जितना भी लंबा वो पेज हो कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है, उसके ऊपर जो राइट साइड कॉर्नर पर 3 डॉट होता है वहां पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों शेयर का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रिंट का जो ऑप्शन आता है वहां पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आप इसे PDF की तरह सेव कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। जब चाहे आप इसे ओपन करके वो ब्राउजिंग का जो पेज, जो भी सारा इंफॉर्मेशन था उस पेज में, सभी को देख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा चीज, जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ वैसा हो जाता है, तो हम उसे एडिट करने के लिए अपने फिंगर को वहां पे टच करते हैं जहां हमें एडिट करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां पे टच होने के बजाय वो टोटल वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, ऐसे कभी कभी होता है दोस्तों। और बहुत लेफ्ट में जो होता है टच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, हमारा जो कीबोर्ड है वहां पे अगर आप स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दोस्तों वो एक टच पैड की तरह हो जाएगा, जैसे कि हमारा लैपटॉप में होता है टच पैड, ऐसे आप फिंगर के मदद से आप यहां वहां कर सकते हैं। क्रसर तो नहीं, टेक्स्ट वाला क्रसर, जो कि आप जहां भी एडिट करना चाहते हैं ऐसे अपने फिंगर टिप की मदद से आप वहां वहां ले जा सकते हैं। वो ज्यादा इजी होता है दोस्तों एज कंपेयर टू दैट फीचर। और दोस्तों, अभी तीसरे पोजिशन, दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे मासूम चीज क्या है जो कि बिन वजह बहुत मार खाता है, पता है आपको? नहीं पता दोस्तों, ये है हमारा रिमोट। यही दोस्तों सब बहुत ज़्यादा मार खाता है, लेकिन प्रॉब्लम इसका नहीं होता है, जब इसका बैटरी लो होता है, बैटरी डेड हो जाता है, तब ये काम करना स्लो कर देता है। लेकिन हम समझते हैं कि रिमोट का प्रॉब्लम है तो इसे हम मारते जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है बैटरी का। लेकिन दोस्तों, इससे स्मार्टफोन का क्या काम? दोस्तों देखिए, हमें जब पता नहीं होता है कि उसका बैटरी एक्चुअल में ख़त्म हो गया, पूरा डेड हो गया, या ऐसा थोड़ा बचा हुआ है, ऐसे हाथ में पीटने से हो जाएगा, हमें पता नहीं होता है, तो दोस्तों इसके लिए एक टेस्ट करना होता है। देखिए, रिमोट ठीक है या नहीं, उसके अंदर बैटरी है या नहीं, इसे हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप अपने कैमरा में, स्मार्टफोन में कैमरा ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर रिमोट के की को दबाएंगे, अगर कैमरा में दिखेगा कि एक रेड कलर का या फिर पिंक कलर का लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बैटरी है। अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों इसका मतलब बैटरी पूरी तरह से डेड हो गया है और इसे आपको चेंज करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, चौथा चीज, दोस्तों आपके मोबाइल में गूगल लेंस होगा, सभी मोबाइल में नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर मोबाइल में गूगल लेंस अभी आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, आप इसके मदद से कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एडिट मतलब मान लीजिए आपके नोटबुक में कुछ टेक्स्ट है और आप फोटो खींचेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट जो होगा वहाँ पे वो तो आइडेंटिफाई नहीं होगा उस फोटो से, लेकिन अगर आप गूगल लेंस को यूज करके वो टेक्स्ट वाले नीचे जो टेक्स्ट वाले कलम होता है वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये टेक्स्ट को वेरीफाई कर सकता है, क्या टेक्स्ट लिखा है आप इसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे, सिवाय इतने सारे चीज़ टाइपिंग करने के। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा चीज़ है गूगल लेंस में। ये हो गया चौथा चीज़। अभी दोस्तों पांचवा चीज़, ये दोस्तों स्मार्टफोन का फीचर नहीं, एक एप्लीकेशन है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब भी अपने स्मार्टफोन को लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं, दोस्तों नजदीक जो होता है वो देख लेता है कि कौन सा पिन डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्क्रीन लॉक
टाइम पासवर्ड। हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन के मदद से आप करेंट टाइम को ही अपना पासवर्ड बना सकते हैं। आपका पासवर्ड कोई अगर देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा, वो पासवर्ड वो कुछ समय बाद मारेगा तो नहीं होगा। मान लीजिए अभी 12 बजा है तो दोस्तों वहां पे आप 1200 टाइप करेंगे तो वही हो गया आपका पासवर्ड। मिनट बाद अगर 1200 टाइप करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि तभी 1202 टाइप करना होता है। ऐसे टाइम के हिसाब से पासवर्ड सेट हो जाता है। कोई अगर देख भी लिया तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो पासवर्ड क्या था, पता भी चल गया तो वो पासवर्ड से वो ओपन नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही पांचों था चीज जो कि शायद ही कुछ कुछ आपको पता हो, कुछ कुछ आपको पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ये पांचों चीज़ आप जरूरी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका स्मार्टफोन ये सब कर सकता है, आपको अभी तक पता नहीं था, अभी पता चल गया तो बस यूज़ कीजिए। तो दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।